हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और मेरे शो दी गहना शो में फिर से स्वागत है शिवान्या शर्मा का। सो शिवान्या, पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो शिवान्या, मुझे बताइए, जैसे कि आपने पहली सीरीज मेरे साथ की, हाँ जी, आपने प्रीवियस एपिसोड में बताया, तो मेरे साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और चूंकि ये पहली बार था तो कैसा लगा, क्या था आपका एक्सपीरियंस? मैं एक बहुत फनी सी बात बताऊंगी, हाँ शायद लोग हंस भी दे मेरे पे। मैं जिस दिन आपके साथ शूट करने वाली थी, हाँ, उसके एक रात पहले, हाँ, मैंने गूगल ओपन करके, ओके, पहली बार देखा है गहना वशिष्ठ है कौन एक्चुअल में। I just heard, honestly, जैसे कि मैं एक्टिंग और इंडस्ट्री में नहीं थी तो मैं इन सब चीजों का इतना नॉलेज भी नहीं रखती थी। आई हर्ड योर नेम, आई न्यू अबाउट योर वर्क, बट मेरे को नहीं पता था बाय फेस हु यू आर। ठीक है, पर पहले मेरे कांड सुन रखे थे आपने? हाँ, सब सुन रखे। ठीक है, तो मेरे को जिन्होंने आपके शूट के लिए रेफर किया था, उन्होंने कहा कि गूगल करो, देखो। मैंने देखा, मेरा पहला रिएक्शन वाज लाइक, ओह माय गॉड, शी इज सो गॉर्जियस, कितनी प्यारी है ये। मेरा ये रिएक्शन था, ये है गहना वशिष्ठ। तो उन्होंने कहा हाँ यही है। नेक्स्ट डे ऑन सेट हम काफी लेट मिले थे, लेकिन शूट पे पूरा टाइम मेरा ये सवाल था, गहना मैम आ गई क्या, गहना मैम आ गई क्या। और इनसे मेरी मुलाकात बिल्कुल हुई है जब शूट एंड होने वाला है, लेकिन जब मेरा शॉट था, मेरा सीन था, तब इनका डायरेक्शन था, तब ये आ चुकी थी। तो आई वॉज लाइक, चलो अब आ गई, अब सुकून मिला, देख लिया, शी इज एक्चुअली रियली प्रिटी। और जब मुझे पता चला इनका लाइक अबाउट योर एज, तो मैं और ज्यादा शॉक थी। सीरियसली, सच में? मैं एक्शन रिप्ले करके बोल रही थी, सच में शी इज एक्चुअली सो प्रिटी। और फिर आया हमारा शूट का टाइम, तो नो डाउट गहना मैम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है, द वे शी टॉक लाइक, अच्छा ठीक है बेटू कर लो, अच्छा ठीक है बच्चा कर लो। तो आई जस्ट लव दैट, दैट इज टू क्यूट। मेरे को मजा आ रहा था ऐसे सुन के, ऐसा लग रहा था कि लाइक घर पे कोई ट्रीट कर रहा है। और हमारा शूट का सीन लाइक एक दो शूट में, एक दो टेक में ले लिया गया, और जब शूट डन हुआ तो आई वॉज लाइक, मैं बस क्यूट था, हगी कर लूं। मेरे को शूट में बहुत मजा आया था, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इनका डायरेक्शन, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार एक्ट कर रही हूँ, पहली बार मैंने एक्टिंग की है। इनका डायरेक्शन वाज लाइक कि स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये बोलना है, वो करना है, बेटे चलो करो, ऐसे करना है। ये था कि ये मेरे को आपने मेरे को बिल्कुल सीन करके दिखाया था, ऐसे करो, बी लाइक दैट, भूल जाओ सब। एंड वाकई में वो हमने किया, और हमने एक दो टेक में ही शूट कर लिया, तो सब जल्दी जल्दी हो गया। मैंने कहा थी माते, दिन भर से दिन भर होना चाहिए था, इनको शूट हो चुका होता, हम आराम से बैठे हुए होते। तो और जब शूट खत्म हुआ, और जब शूट रिलीज हुई, वेब सीरीज रिलीज हुई, तो जब मैंने अपना देखा एंट्री पार्ट, I was like, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। तो I was shocked कि कितना प्यारा शूट हुआ है। और सबसे पहले मैंने गहना मैम से बात करके बोला, मैम ये आपका वो डायरेक्शन वाला पार्ट है, एंड दैट वॉज टू सेंशुअल, तो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड लाइक इनके शूट के बाद ही मैं डिसीजन ले पाई कि हाँ, अब मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। और मैंने कुछ ही मंथ्स में मुंबई रिलोकेट कर लिया, और रिलोकेट होते ही मैंने फिर से इनके साथ शूट किया। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस जो गहना मैम के साथ था। थैंक यू सो मच। अच्छा शिवान्या, मुझे भी तुरंत याद आया कि हमने तकिए के ऊपर मेकआउट सीन शूट किया था। एग्जैक्टली, जो हमने तुम्हें तकिए पे बैठा दिया था। कभी तुमने सोचा था कि ऐसा कभी कोई मेकआउट सीन शूट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे को कोई भी अगर कहता था ये फील करो, वो फील करो, ऐसा वाला एक्सप्रेशन दो, ये करो, सोच लो कि है बस, तो व्हेन शी सेड, तुम्हें कुछ नहीं करना है,
तो तुम्हें तकिए पे बैठना है एंड यू जस्ट फील बी क्रेजी, पागल हो जाओ बिल्कुल, ऐसा वाला हॉट लुक दो, ऐसे वाले एक्सप्रेशंस दो। पहला तो माइंड में आया तकिए पे, क्या चीज कैसे होगा। और जब मैं तकिए पे बैठी तो आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड क्या है ये, कैसे करूं मैं। इन्होंने कहा, बाकी ने कहा फील करो, बॉयफ्रेंड है तुम्हारे सामने, बस फील करो, कहाँ से इमेजिन करूं कैसे करूं। लेकिन जब कैमरा एक्शन हुआ और ये पीछे से थी चेयर अप करने के लिए, बेटू कर दे, हो गया बस। बट कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, इनके बदौलत हुआ। बाकी मजा आया ना बहुत ज्यादा, यस। मेरे को वाकई में फील हुआ कोई है। ये पहला था कि मैंने इमेजिन करके किया, बट यस दैट शॉट वॉज रियली गुड। वो सीन जब रिलीज हुई तो कोई कह ही नहीं सकता है मैं तकिए के ऊपर थी, ये तो मेरा कमाल है, अलग ही कमाल है। यस अच्छा शिवानी मुझे एक बात बताओ, जैसे कई बार होता है ना कि किसी लड़के को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा क्या है जो आपको लड़कों में देखकर आप एकदम से टर्न ऑन हो जाती हैं, एकदम सेंसुअस सी फीलिंग आ जाती है, ऐसा क्या होता है लड़कों में? ध्यान से तो कभी सोचा नहीं, एक बार सोचो। फिर भी सोच के देखती हूँ तो जो पहला अट्रैक्शन पॉइंट होता है लड़कों का, नो डाउट मेरी पहली नजर जो जाती है वो आंखों पे जाती है। यू नो लाइक द वे अ पर्सन, अ गाय इज लुकिंग एट यू, स्टेयरिंग यू, जो आपको अट्रैक्ट कर ले कि हाँ विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन इमेजिन एवरीथिंग जो हुआ भी नहीं है। तो पहले तो होती है लड़कों की आंखें, दैट मेक्स मी अट्रैक्ट, अगर अट्रैक्टिव है तो नो डाउट। और दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट हिज लुक्स, हिज फिजिक और समथिंग, तो ड्रेसिंग सेंस, समथिंग का बाइसेप्स, मतलब ड्रेसिंग था, बाइसेप्स, ओके। एंड मैं ये नहीं कहूंगी सिक्स पैक एब्स हूँ, बट भाई ऐसा होना चाहिए जो इमेजिन करके ही लग जाए कि मैं उसको टच करने जा रही हूँ, तो ऐसा है। इट्स लाइक कैसे समझाऊँ, यू शुड बी चार्मिंग एंड नो दैट हॉट। और फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो ही शुड स्मेल रियली नाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो आगे वाले पार्ट में उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मुझे पता है मेरा जवाब बहुत अजीब होगा शायद, बट मैंने एक्चुअली कभी लड़के के लिए ऐसा नहीं सोचा कि मुझे क्या अट्रैक्ट करेगा। हाँ बट हाँ फिजिक, अब पहली नजर में क्या होगा, फिजिक बट होगा, स्मेल परफॉर्मेंस तो होगा, मैटर करती है एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर ये वहां पर ही अच्छा नहीं है तो फिर तो सब वेस्ट है, घुइया के खेत में। हाँ। किसी काम का नहीं है फिर। फिर मेरे जुबान से एक ही बात निकलेगी जो हमेशा होता है, इनको तो आता ही नहीं, इनसे होता नहीं, है ही नहीं, इसका है ही नहीं, कटा हुआ है, कटा हुआ है, काट जो है ना वो भी काट के फेंक दो। तो ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट सेक्स पोजीशन क्या है और वाइल मेकआउट तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगता है? क्या बोलता है जो सच है वही बोल दो। फेवरेट पोजीशन की बात करूं तो नो डाउट काउगर, उसमें सब कुछ होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, फैंटेसी वाले पार्ट पे आऊं तो ब्लाइंड फोल्ड सेक्स, आई लव दैट। व्हेन लाइक मैं देख नहीं सकती एंड आई एम फीलिंग एवरीथिंग, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मेरे ऊपर नहीं होना है, आई वॉन्ट टू डोमिनेट समवन, मैं किसी पे ये कर। ऐसे हंटर हंटर तो नहीं मारने का मन होता है लड़के को? जिसको टॉर्चर करने का मन करेगा उसको तो मैं नो डाउट करूंगी, वो भी प्यार से बांधने के बाद करूंगी, कहे तो कह के लूंगी मैं उसकी, जो वो कुछ कर भी ना पाए। तो कागल एंड ब्लाइंड फोल्ड सेक्स एंड द थर्ड पार्ट, बहुत हॉरिबल सा फैंटेसी है, मैं को जंगल में मंगल करना। बोले तो कि जंगल में डेट वाला पार्ट, हील बी वेयर इन द ब्लैक शर्ट, नो डाउट डैशिंग दिखना चाहिए, आई विल वेयर ब्लैक साड़ी विद बैकलेस ब्लाउज, ठंडा ठंडा बारिश वाला मौसम हो, बॉन फायर हो और रेड वाइन हो और जंगल ही जंगल हो, कोई हो ना वहां पे, और वहां पे रोमांटिक सेक्स नहीं, वाइल्ड सेक्स, वाइल्ड होना चाहिए।
मेरी शक्ल देख के तो मैं क्या है? हाँ प्यारी हूँ मैं, नो डाउट, बट एवरी इनोसेंट फेस हैज वाइल्ड साइड, द डेविल साइड विच आई हैव, तो देयर शुड बी वाइल्ड सेक्स. तो ये फैंटेसी है, पोजिशन का बता दिया. और वट इफ समटाइम्स आई फील लाइक बड़ा सा विंडो हो एंड हेयर्स होल्ड करके he'll be fucking me from behind, that position. Yeah, but not on bed, in front of बड़ा सा विंडो जहाँ से पूरा व्यू दिखे. मैं नेक्स्ट जो फिल्म तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, मेरा ओपनिंग शॉट होगा जहाँ पे तुम्हारा फेस है, मेरा कैमरा है एंड तुम कर रही हो और लड़का लगा हुआ. मैं आ आ आ नहीं करूंगी, हैंडशॉट बस कर दे, हो गया, मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा, गाली ही निकलेगी. इफ आई हैव बीन एंजॉयिंग तो बात अलग. नहीं बट समटाइम्स पता है मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ही अच्छा वाला सेक्स कर रहे हो ना, अगर उस समय गाली देने में जो मजा आता है ना, वो भी बहुत किंकी हो जाता है. ऐसा हुआ कि कभी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग वाला अपने फेवरेट बंदे के साथ यू आर मेकिंग आउट और उस समय भर भर के तुमने गालियाँ दी हो, ऐसा कभी हुआ? लेट मी रिमाइंड, कितने वक्त तक, कितने वक्त पहले किसके साथ? इतना सोचोगे तुम, बहुत वक्त हो गया. सो बोरिंग इस मैटर में, थोड़ा सा बोरिंग. हाँ ठीक है, मेरी फैंटेसीज वियर्ड है, मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ, मैं वियर्ड भी हूँ, वाइल्ड भी हूँ. बट अगर लड़के की और मेकिंग आउट की बात करूँ तो आई बिलीव ऑन वाइब आनी चाहिए बंदे से, जो बहुत टाइम से किसी से आई नहीं है. या फिर ये कहूँ कि दुनिया में मर्द नहीं बचे, काइंड ऑफ की इफ अ गाय इज हैविंग अ डिक डजंट मीन ही इज अ मैन. ठीक है, तो वाइब नहीं आई तो इसीलिए इतना लंबा सोचना पड़ रहा है. कौन था ऐसा वाहियात इंसान जिसको मैंने गाली दी थी वाइल मेक आउट, वाइल मेकिंग आउट? अच्छा मुझे बात तो, अभी आप सिंगल है? ऑफ कोर्स यस, पूरे तरीके से दूर दूर तक लेफ्ट राइट. तो कैसा लड़का ढूंढ रही है, किस टाइप का लड़का मिलेगा कि बस उसको लगे यार खा जाऊंगा इसको अभी एकदम डेस्परेशन के साथ में? मैं इस पर थोड़ा सीरियस जवाब देती हूँ, बहुत जरूरी है. तो इसमें तो पहला ये है कि मेरे वाइब्स बहुत स्ट्रांग हैं. मैं अपने वाइब्स पे बहुत बिलीव करती हूँ और अगर कह सकते हैं तो शिव जी की ब्लेसिंग है. जो मुझे किसी से नेगेटिव वाइब आती है तो मुझे लगता है कि वो इंसान गलत ही है और एट द एंड वो गलत ही साबित होता है. तो पहले तो मुझे एक ऐसा बंदा मिलना चाहिए जिससे मुझे पॉजिटिव वाइब आए, नहीं तो अगर करते टाइम भी नेगेटिव वाइब आएगी ना तो मैं केएलपीडी कर दूंगी. किया है कईयों का. हाँ तुमने तो पीएचडी कर रखी है. तो वाइब आनी चाहिए. और दूसरा अगर मैं कहूँ कि सीरत मायने रखती है, सूरत मायने नहीं रखती है, नहीं भाई दोनों होनी चाहिए, मेरे पास है दोनों. सीरत और सूरत दोनों होनी चाहिए. सूरत थोड़ा कम ऊपर भी होगा तो बना लेंगे, लेकिन सीरत ठीक हो और क्यूट दिखता हो, डैशिंग हो, फिजिक हो. ऑफ कोर्स आई डू लुक हॉट. तो अगर वैसा लड़का मिल जाए, सपोज आप यहाँ से निकले और आपको गेट पर ही एक हैंडसम सा सेक्सी सा लड़का मिल जाए, उसके ऊपर की दो बटन खुली हो, हैवी चेस्ट हो. एग्जैक्टली वही इमेजिन हो रहा था अभी मेरे को, हो रहा था ना कि ऐसा ही होना चाहिए. मेरा जैसे पकड़ के ऐसे गाड़ी में बैठा के ले जाओगे क्या घर? ऐसा कभी किया है? ऐसा वाला नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ी बेशरम हूँ. अगर मुझे कोई दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है और वैसे तो नजर नहीं जाती है और ना टिकती है किसी पे, लेकिन अगर टिक जाए तो मैं बहुत बदतमीज हूँ. मैं सामने जाके बोलूंगी यू आर लुकिंग हॉट, चलते हो क्या? ऐसा वाला. बट चलते हो का क्या मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊं, जकड़ जाऊं, पकड़ लूं. एक सीन है मेरा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई नीड एवरीथिंग परमानेंट और आई गेस परमानेंसी वाला नहीं है, इसीलिए मैं सिंगल हूँ, सिंगल पड़ी हुई हूँ. तो जो चाहिए मेरा ही होना चाहिए और पूरी तरीके से मेरा हो. क्या कहते हैं वो बीवियों के लिए बोलते हैं ना, तन मन धन से हो जाओ मेरे. तो वैसा पूरे तरीके से हो, थोड़ा भी इधर लेफ्ट राइट इधर उधर दिख रहा है ना तो तू जा रहे हैं भाई, तू निकल, तेरे से ना हो पाएगा.
पूरा होना चाहिए. लॉयल्टी बहुत मैटर करती है. एग्जैक्टली. पता है सेक्स करना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, बट अगर वो अपना बंदा है, खुद का है, और ये मालूम है कि भाई स्टैम्प है ना, तो उसकी